हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पवन नागर और आज हम आपसे बात करेंगे कि सियाटिक नर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं। और जो सियाटिक नर्व होती है वो दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, टीबियल पार्ट और कॉमन पेरोनियल पार्ट। ओके, मतलब सियाटिक नर्व आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड होती है ना, टीबियल पार्ट और कॉमन पेरोनियल पार्ट। तो सियाटिक नर्व के जो दोनों पार्ट हैं जो कि यहाँ पे एक साथ रहते हैं, वो किन किन मसल्स को सप्लाई करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले सियाटिक नर्व की रूट वैल्यू। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं रूट वैल्यू L4, L5, S1, S2 and this is S3। ओके, तो क्या हुआ, L4, L5, S1, S2, S3। ओके, तीन रूट वैल्यू लिख दी। ओके, उसके बाद देखिए सियाटिक नर्व निकली लंबर और सैक्रल नर्व से। ओके, उसके बाद देखिए हम यहाँ पे एक मसल से ड्रॉ करेंगे, उस मसल्स का नाम क्या होगा, वो मसल्स होगी हमारी पीरीफॉर्मिस मसल्स। ओके, मतलब सियाटिक नर्व पीरीफॉर्मिस मसल्स के नीचे प्रेजेंट होती है। ओके, मतलब एक बार एक टाइप से लैंडमार्क है सियाटिक नर्व का कि पीरीफॉर्मिस मसल्स के जस्ट नीचे आपको सियाटिक नर्व मिलेगी। ओके, तो मैं अभी ये मसल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मसल्स कौन सी है, दिस इज पीरीफॉर्मिस मसल। ओके, तो ये हुई हमारी पीरीफॉर्मिस मसल्स हो गई। ओके, दिस इज पीरीफॉर्मिस मसल। ओके, उसके बाद अब देखिए हम इन रूट्स से निकालेंगे तार। ओके, वही तो तार मिलके बनाएंगे हमारी सियाटिक नर्व। ओके, तो देखिए हमारा एक तार होगा रेड, एक तार होगा ग्रीन। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम ग्रीन पेन से जो तार बनाएंगे वो बनाएंगे हमारे टीबियल पार्ट के। ओके, सॉरी, हम जो रेड पेन से तार बनाएंगे वो बनाएंगे टीबियल पार्ट से। ओके, तो देखिए S1 से एक तार निकला और नीचे की तरफ गया, S2 से एक तार निकला और नीचे की तरफ गया, वैसे ही S3 से एक तार निकला और नीचे की तरफ गया, L5 से एक तार निकला वो भी नीचे की तरफ गया, और L4 से भी एक तार निकला और नीचे की तरफ गया। मतलब क्या कि 4, 5 S1, S2 और S3 इन सारों से एक एक तार निकले और तार जाके यहाँ पे आके मिल गए। देखिए मैंने सारे तार जोड़ दिए हैं। ओके, देखिए जो तार L4 से निकला वो भी सारे जुड़ गए। ओके, उसके बाद सारे तार एक साथ जुड़ के नीचे बनाए, मतलब सारे तार एक साथ जुड़ के नीचे की तरफ गए, नीचे कहाँ, पीरीफॉर्मिस मसल्स के नीचे। ओके, तो देखिए मैंने सारे तारों को मिला के एक कॉमन नर्व बना दी है। ओके, तो ये क्या होगा, दिस इज द टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व। ओके, तो ये क्या हुआ, दिस इज टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व और यहाँ पे सारे तार अलग अलग थे और पीरीफॉर्मिस के जस्ट ऊपर आके मिल गए। ओके, उसके बाद मैं ग्रीन से जो तार बनाऊंगा वो बनाऊंगा कॉमन पेरोनियल पार्ट के। ओके, तो देखिए S3 से कोई तार नहीं निकलता, सॉरी गलती लिख दिया, S3 से कोई भी तार नहीं निकलता। तो हम तार स्टार्ट करेंगे कहाँ से, S2 से। ओके, तो S2 से एक तार निकला और गया नीचे की तरफ, S1 से एक तार निकला और गया पीरीफॉर्मिस की तरफ, L5 से एक तार निकला और गया नीचे की तरफ। ओके, उसी तरह से L4 से एक तार निकला और गया नीचे की तरफ और पीरीफॉर्मिस के जस्ट पहले आके सारे तार मिल गए। ओके, देखिए ग्रीन वाले तार मैंने S3 से नहीं निकाला है, ग्रीन वाले तार ओनली चार है। ओके, चार कौन से, L4, L5, S1 और S2, जबकि जो रेड कलर के तार है वो पांच है, L4, L5, S1, S2 और S3। ओके, अब देखिए ग्रीन वाले सारे तार मिल गए और नीचे जाके बनाया, दिस इज द कॉमन पेरोनियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व। ओके, तो देखिए इस पूरी नर्व को जो कि ये रेड और ग्रीन वाली है, इस दोनों को एक साथ मिला के क्या बोलेंगे हम, इन दोनों को एक साथ मिला के बोलेंगे हम सियाटिक नर्व। ओके, तो देखिए ये पूरी नर्व क्या है, ये है सियाटिक नर्व। ओके, इसके बाद हम इनके नाम लिख देते हैं, जो ग्रीन वाला था हमने क्या बोला था, दिस इज कॉमन पेरोनियल पार्ट। ओके, दिस इज कॉमन पेरोनियल पार्ट, और हमने इस रेड वाले को क्या बोला था, देखिए ग्रीन मतलब ग्रीन पेन से लिखा है, रेड मतलब हम रेड पेन से लिखेंगे, दिस इज द टीबीएल। ओके, टीबीएल पार्ट। ओके, तो देखिए एक हो गया टीबीएल पार्ट, रेड वाला टीबीएल हो गया, रेड वाला पूरा रेड मतलब रेड टीबीएल, ग्रीन वाला पूरा कॉमन पेरोनियल, और इन दोनों पार्ट को हमने यूनाइट करके क्या बोला, इन दोनों पार्ट को यूनाइट करके बोला हमने सियाटिक
नर, ओके, इनको बोला शियाटिक नर, ओके। अब इसके बाद देखते हैं इनकी ब्रांचेज की, देखिए जो टीबियल पार्ट होता है वो निकालता है कितने तार, टीबियल पार्ट निकालता है टोटल 4 तार, तो 1 तार, 2 तार, 3 तार और 4 तार, ओके। टीबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व, दिस इज द टीबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व, ओके। अब इसे हम क्या बोलेंगे, पूरी सियाटिक नर्व है, तो दिस इज लाल वाला टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व, और टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व से कुल टोटल कितने तार निकले, 4 तार निकले, जबकि जो कि था एक ये वाला तार बचा ना, ये वाला तार कौन सा है, दिस इज द ग्रीन वाला तार कौन सा है, दिस इज द कॉमन पेरिनियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व, ओके। और इससे कितने तार निकलेंगे, इससे निकलेगा ओनली 4, एक तार, ओके, ओनली 4, एक तार। देखिए ये तार नहीं है, यहाँ पे तो हमने इसकी नेमिंग की थी, ओके, यहाँ पे हमने इसकी नेमिंग की थी, कॉमन पेरिनियल से निकला एक तार और टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व से निकला निकले 4 तार। अब देखते हैं इनके नाम लिखते हैं कि ये 4 तार कौन से हैं और ये एक तार कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले हम इस एक तार की बात कर लेते हैं, इस एक तार का नाम है SH, यानी शॉर्ट हेड, दिस इज द शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस, ओके। ये क्या हुआ, दिस इज द शॉर्ट हेड, SH मतलब शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस, ये क्या है, नर्व है, ओके। तो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस को सप्लाई कौन करेगा, इसको सप्लाई करेगा हरा वाला, हरा वाला मतलब कॉमन पेरोनियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व, ओके। तो SH को कौन सप्लाई करेगा, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस को, कॉमन पेरोनियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे 4 तार जो लाल टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व से 4 तार निकले, इनके नाम क्या है, तो देखिए आपको इनके नाम इनडायरेक्टली आते हैं, ओके। तो ये 4 तार वही है जो कि बनाते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स, ओके। और आपको पता होगा हैमस्ट्रिंग मसल्स का होता है कॉमन ओरिजन कहाँ से, इस्चियल ट्यूबरोसिटी ऑफ हिप बोन, ओके। तो ये 4 तार कौन से होंगे, ये 4 तार होंगे 4 मसल्स ऑफ, 4 मसल्स ऑफ हैमस्ट्रिंग, ओके, 4 मसल्स ऑफ हैमस्ट्रिंग। तो देखिए सबसे पहली वाली कौन सी होगी, सबसे पहली वाली होगी हमारे पास सेमी टेंडिनोसस, ओके, सेमी टेंडिनोसस, ओके, ये हुई सेमी टेंडिनोसस। सेकेंड वाली कौन सी होगी, हमारे पास सेकेंड वाली होगी सेमी मेम्ब्रिनोसस, मेम्ब्रेनोसस, ओके, ये हुई हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसस। थर्ड वाला तार कौन सा होगा, दिस इज लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, ये होगा हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस। तो देखिए शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस को सप्लाई कौन करता है, कॉमन पेरोनियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व, ओके। जबकि लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस को सप्लाई कौन करता है, इसको सप्लाई करता है टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व, मतलब लाल वाला। और जो चौथा तार बचा, इसका नाम आप सबको पता होगा, दिस इज अडक्टर मैग्नस, ओके, दिस इज अडक्टर मैग्नस। अडक्टर मैग्नस पूरी मसल्स को सप्लाई नहीं करता है, ओनली फॉर इसके हैमस्ट्रिंग पार्ट को, ओनली फोर इसके हैमस्ट्रिंग पार्ट को सप्लाई करता है, कौन, टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व, मतलब इन चारों मसल्स को सप्लाई कौन करेगा, टीबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व, ओके। उसके अलावा एक पॉइंट और देख लेते हैं कि हमने जो चारे मसल्स यहाँ पे लिखी हैं, इन चारों मसल्स को हम क्या बोलते हैं, इन चारों मसल्स को बोलेंगे दीज आर हैमस्ट्रिंग मसल्स, ओके, दीज आर हैमस्ट्रिंग मसल्स, ओके, दीज आर हैमस्ट्रिंग मसल्स। ये चारों के चारों क्या है, ये चारों मसल्स है हमारे पास हैमस्ट्रिंग, ये चारों मसल्स है हमारे पास हैमस्ट्रिंग मसल्स, ओके। और आपको पता है कि हैमस्ट्रिंग मसल्स का होता है कॉमन ओरिजन, ओके, कॉमन ओरिजन, और कहाँ से ओरिजन होता है, इनका ओरिजन होता है इस्चियल ट्यूब्रोसिटी से, ओके। तो देखिए यहाँ लिख रहे हैं इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, इस्चियल इनका होगा कॉमन ओरिजन कहां से, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी से। तो देखिए आपको सियाटिक नर्व के साथ साथ क्या क्लियर हो गया, आपको सियाटिक नर्व के साथ क्लियर हो गया हैमस्ट्रिंग मसल्स विद उनका कॉमन ओरिजन एंड विद उनकी नर्व सप्लाई, ओके। तो देखिए ये तो हो गया, और इसके अलावा क्या बच गया, ओके। तो देखिए हाँ एक बात फिर मैं बोल रहा हूँ, जो कॉमन पेरोनियल पार्ट है इसकी रूट वैल्यू क्या है, इसकी रूट वैल्यू है L4,
L5, S1, S2, जबकि TBL पार्ट की रूट वैल्यू क्या है? TBL पार्ट की रूट वैल्यू है L4, L5, S1, S2 और S3. S3 ओनली TBL पार्ट में है, कॉमन पेरेनियल पार्ट में नहीं है. देखिए इनकी रूट वैल्यू बड़ी कंफ्यूजन होती है, कोई बुक में क्या लिखा है कोई बुक में क्या लिखा है. तो मैं यहाँ पे BDC को प्रेफर करके लिख रहा हूँ, कॉमन पेरेनियल पार्ट में S3 नहीं आती है. ओके okay? तो देखिए दिस इज ऑल अबाउट द सियाटिक नर्व एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स. ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर प्लीज अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. और इस चैनल की कोई सी भी वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं.